वैसे तो देखिए हम सभी ज्यादातर आलू के ही फ्रेंच फ्राई खाना पसंद करते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने एक बार कच्चे पपीते के ये फ्रेंच फ्राई बनाकर देख लिया ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतने ज्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं, और आप सभी को पता है कच्चा पपीता सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद होता है। और अगर आपने इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार जरूर बनाकर देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। आलू के फ्रेंच फ्राई खाना बंद कर देंगे आप, इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी, आप चाहे तो देखिए फ्राई करके बनाएं या फिर बिना फ्राई करके भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। बस ऐसे कट करने के बाद इसके बीज निकाल लेंगे और ऐसे थोड़े स्लाइस कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसके हम छिलके निकाल लेंगे, तो ऐसे आसानी से छिलके भी निकल जाते हैं। और ये बिल्कुल कच्चा ही पपीता है, मतलब ऐसे पका हुआ नहीं है, तो ऐसे ही आपको लेना है। अब इसके बाद बीच में जो ऐसे है ना सॉफ्ट भाग है जो बीज हमने निकाले थे, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब इसके हम ऐसे स्लाइस कट करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़े ज्यादा मोटे स्लाइस कट ना करें, मीडियम ही देखिए ऐसे ही कट करें, और ज्यादा थिकनेस में मोटा है तो बीच से आप ऐसे कट कर ले, इसके बाद इसके बीच से ऐसे कट कर ले। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उस साइज में, छोटे बड़े में ऐसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से कट कर लिया, तो ज्यादा पतले भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटे साइज में भी आपको यहाँ पर कट नहीं करना है, तो ऐसे ही आप कट करके तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैं हाफ पपीते से ही बना रही हूँ, बाकी को मैं रख देती हूँ साइड में, इसी से काफी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे कट किए हैं, थोड़े मीडियम साइज में ही ऐसे कट किए हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर गर्म पानी रख दिया, अब इसके अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक डाल देंगे और ऐसे मिक्स करेंगे। जब पानी अच्छे से यहाँ पर देखिए बॉईल हो जाता है ना, उसके बाद डाल देंगे जो हमने पपीते के ऐसे मतलब फ्रेंच फ्राई बनाकर तैयार किया है। और यहाँ पर बस थोड़ा ही इसको पकाना है, बहुत ज्यादा देर नहीं। तो जैसे ही आप डालेंगे और थोड़ी देर बाद ये पकना शुरू होते हैं, मतलब बॉयल आना शुरू होता है, या तो आप ऐसे ही टाइम देखकर थोड़ा सा पकाए, घड़ी में 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट लगभग इतना ही आपको ऐसे बॉयल करना है, ज्यादा भी एकदम गलाना नहीं है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप 2 से 3 मिनट ही इसे पकाए तो ये थोड़े से पक जाते हैं, इसका जो ज्यादा कड़वापन सा है वो भी थोड़ा सा ऐसे निकल जाता है। अब इसका पानी निकाल लेंगे एक छन्नी के अंदर, और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए, अभी एकदम बहुत ज्यादा गर्म है तो थोड़ा सा फैन के नीचे रख देंगे ऐसे ठंडा होने के लिए, या फिर ऐसे ही छोड़ दें कुछ देर के लिए। जैसे ये देखिए थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, अब इसके बाद दूसरे बर्तन के अंदर डाल लेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल ठंडे हो गए, एकदम गर्म नहीं है मतलब। अब इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर मैंने कॉर्न स्टार्च लिया, आप कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या अरारोट कुछ भी ले सकते हैं, या चाहे तो चावल का आटा, बस 2 चम्मच मैंने डाला है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई पुदीना मैं डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर। तो ये सब मसाले आप पहले डाल देंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, ऐसे अच्छा भी बनता है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक पहले भी डाल दिया था बॉयल करते वक्त, ज्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच सरसों का ऑयल इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये थोड़े से अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि हम इसे 2 तरीके से बनाने वाले हैं, एक को हम फ्राई करके बनाएंगे और बिना फ्राई करके भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से ऐसे कोट कर लेंगे, और ज्यादा भी डालने की देखिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ को हम रख देते हैं एयर फ्राई के अंदर, ऐसे बास्केट के अंदर आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं, या फिर नीचे कोई भी नॉर्मल ऐसे पेपर या बटर पेपर, या चाहे तो सिल्वर फॉइल भी ऐसे नीचे बिछा सकते हैं, इससे आपकी बास्केट ऐसे गंदी नहीं होगी। वैसे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इक्वल करके रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर मतलब नहीं रखेंगे, थोड़ा ऐसे रखेंगे तो चार तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और एकदम अच्छे जल्दी से बन जाते हैं। तो ज्यादा नहीं डालना, ऐसे ही बस आपको डालना जितना इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद अगारो एयर फ्राई के अंदर मैं रख देती हूँ बास्केट को, और कितना समय लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे आप चाहे तो ऊपर ट्रे के अंदर भी डाल सकते हैं, एक साथ ज्यादा भी। तो स्टार्ट करने के बाद देखिए फ्रेंच फ्राई का इसमें पहले से दिया हुआ है 200 डिग्री टेम्परेचर पहले से सेट है, और 15 मिनट टाइम है। तो पहले हम इसी टाइम पर ऐसे बनाकर देख लेते हैं कितना समय लगेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तब तक हम देख लेते हैं दूसरे जो बचे हुए उसको भी फ्राई करके। तो यहाँ पर आप चाहे तो देखिए ऑयल जैसे गर्म हो जाता है उसके बाद ऐसे डालकर फ्राई कर ले। शुरुआत में थोड़ा सा गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे, और जैसे थोड़ा सा ऐसे पकना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद मीडियम और बीच बीच में लो करके क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। और जैसे 1 से 2 मिनट बाद थोड़े से पकने शुरू हो जाते हैं, आपको पता चल जाएगा थोड़े क्रिस्पी अच्छे बन जाते हैं। तो जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा आराम से पकाएंगे तभी अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं।
जैसे आप आलू के फ्रेंच फ्राई बनाते हैं सेम उतना ही समय लगता है और एकदम अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, हल्का सा आपको ब्राउन कलर दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, मतलब पका लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा होगा। 7 से 8 मिनट का समय हो गया इसको फ्राई करते वक्त। आप चाहे तो डबल भी, मतलब 2 बार भी फ्राई कर सकते हैं, पहले कम मतलब कच्चे फ्राई करके उसके बाद दोबारा, और ऐसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, आधे कच्चे पके मतलब बनाकर उसके बाद दूसरी बार गर्मा गर्म ऐसे फ्राई करें और सर्व करें। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे तैयार है। आप चाहे तो फ्राई करें या फिर आप चाहे तो ऐसे एयर फ्राई के अंदर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखा देती हूँ एयर फ्राई के अंदर जो रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समय मैंने बाद में और दिया है, मतलब 10 मिनट मैंने और इसको चलाया, तो यहाँ पर 25 मिनट के लिए मैंने इसे एयर फ्राई के अंदर बनाया। पहले थोड़े से कम मतलब पके हुए दिख रहे थे, अभी एकदम बहुत ज़्यादा देखिए क्रिस्पी और एकदम गर्म भी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी बाहर से आपको ज़्यादा क्रिस्पी दिखाई देंगे थोड़ा सा तोड़ कर भी। तो दोनों में कुछ खास डिफरेंट नहीं है, आप चाहे तो एयर फ्राई के अंदर बनाएं या फिर ऐसे फ्राई करके बना सकते हैं। अगर आप बिना ऑयल का ऐसे बनाना चाहते हैं तो एयर फ्राई के अंदर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और आप इसे रेड चिल्ली सॉस या टोमेटो केचप के साथ खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बाहर से थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से आप देखेंगे ना तो हल्के से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार बनाकर जरूर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आलू के जो हम फ्रेंच फ्राई बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।